को देख, मजा देखना। हाय, ये क्या, तेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर किया? जाके चुल्लू भर पानी में डूब जा। वन मिनट, चंदू नाम है मेरा। ए चिकने, हेलो। चंदू, उसकी मुंह क्यों लग रही है? फर्स्ट टाइम है उसे। पहली बार किसी ने चंद्रकला की खूबसूरती पे थूका है। इसे तो मैं एड वाले कुत्ते की तरह अपने पीछे न चाहूंगी। तुम बस देख ही जाओ। क्यों आया? किसी को फूल बनाने के लिए फूल ही सही जगह है। करे तुम्हें, हाँ? मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की भद्दी एक्टिंग कर रहे हो। मेरे जैसा फिगर देखकर किसी भी आदमी का दिमाग माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता है, और तुम खुद को रेफ्रिजरेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात का घमंड है? अपनी सारस जैसी लंबी टांगों का या चमगादड़ जैसी भद्दी शक्ल का? हाँ? ए, जानता है मैं कौन हूँ? सत्या, उसकी छोटी बहन। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है बे? कौन है तू? एसीपी शंकर नारायण। 5000 एनकाउंटर्स, 500 ट्रांसफर, 200 मेडल्स एंड स्टिल अलाइव। सत्या का एनकाउंटर करने के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मेरे लंबे चौड़े करियर में भीषण रैगिंग का केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुआ है। दफा 143 लगा के तुम्हें जेल में डालूंगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तुम मेरी लाठी से बच नहीं सकोगी। उस लड़की का चेहरा बंदर की तरह इतना सा हो गया होगा, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। यार बचपन से मेरी ख्वाहिश थी थोड़ा बड़ा होकर मॉम पॉप को अच्छी सी बहू दूं। ये सब तो ठीक है, पर उसके दिल में जगह बनाई क्या? दोस्त, हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, बस उस अरमान को जगाने के लिए सही वक्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अरे चंद्रकला, वेंकी तेरा दिल चुरा लेगा, अपना चांस तो गया, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। हाय। हाय, क्या हुआ? चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। हे चंदू, आज हमें एक नया बकरा मिला है। आप जाने दे बेचारे को, क्या रैगिंग करनी, किसी और दिन से छोड़ देना उसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, रैगिंग के लिए मना कर रही हो? मैंने कहा ना, रैगिंग का मूड नहीं है। रैगिंग करनी होगी, रैगिंग करनी होगी। नो। तो ठीक है, तुम खड़ी होके देखो, इसकी रैगिंग हम करते हैं। नाम क्या है बे तेरा? सीताफल मूंगफली फ्रॉम कांदीवली। तुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है? बिना सर पैर की रोमांस वाली। ए, हॉरर और रोमांस को मिक्स करके दिखाओ। सालों से नहाई नहीं हो? तुम तो मासूम कली हुआ करती थी, अब फूल कर गोभी का फूल हो गई हो। उस कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़कर तुम उस छोरे भूत के साथ वहाँ पर पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? मेरी नाक कटा दी तूने? मैं अभी तक कैरेक्टर में हूँ। तुम लोगों ने मुझे सीन करने के लिए कहा था, ये कॉलेज है भैंसों का तबेला? इस छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई आएगा मुझे बचाने के लिए? क्या चल रहा है यहाँ? वो को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। धरने से बालक को मार कर ये चुड़ैले उसका खून चूसना चाहती थी। ए, तू बालक नहीं सड़ा हुआ पालक लगता है। सर, ये लड़कियाँ हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर हुस्न का अत्याचार करती हैं। तेरे जैसे मोटे कद्दू पर भी? नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों को टॉर्चर करते हो तुम सब? हार्डकोर क्रिमिनल्स बन चुके हो। लोकेशन शिफ्ट। शैतानों की देवी कौन है? आज तो तू गया, मेरी नौकरी की तो छुट्टी हो गई। इस कॉलेज में एडमिशन मिलना वेटर के जॉब मिलने से भी आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि लड़कों ने आना ही छोड़ दिया है।
ये बेचारे गरीब घर के लड़के कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं लेकिन तुम्हारी रैगिंग की वजह से डरते हैं। चाचा साहब, गर्मी से नहीं, गर्मी से पेश आई इनके साथ। ये यहाँ पढ़ने आती है या कैमरे करने आती है, पूछिए इनसे। कपड़े तो ऐसे हैं कि जैसे औरतों के साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट। इतनी घबरा क्यों रही हो? रैगिंग करते वक्त कप कपा नहीं रही थी? रैगिंग से डर नहीं लगता साहब, आपके इस डरने से डर लगता है। हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना और डांस करना। लगता है तेरी फ्रेंड अच्छा नाचती है, चल ठुमके लगा। साहब जी, शर्म आ रही है, सब देख रहे हैं ना। इधर आ। सोचो कि कमरे में कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है और तुम खुल के नाच रही हो। समझ गई, मेरे मोबाइल में एक रॉकिंग गाना है, बजाऊं क्या? बजा डाल। है, जरूर कोई भजन रहेगा। कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा? कोई एसीपी शंकर नारायण है। हा? बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण, वो तो हमारा ही आदमी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात करूंगा, इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो, लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदास जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा आप? एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई और... जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है और मछली पकड़ने के बाद उसे काट कर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके, नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते साहब। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार गया। लगता है मेरा हंडा फूट गया है। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ सर, सीख लिया। गाकर सुनाए? चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू, हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, माइक फुट। अब मेरी बात सुन, सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बन, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की स्त्री खराब मत कर, उतार इसे। देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती है। लड़की हो, अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूटकर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। हाँ, तेल लगा लेना। जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो। ए बंटी। हाँ भाई। उस येड़े को फोन लगा। हाँ, वो बैगन मेले की घंटी बज रही है। हेलो। हेलो हेलो। क्यों चिल्ला रहा है? ड्राइविंग करते समय फोन नहीं उठाने का समझा क्या? ठुकवाएगा क्या? सामने देख। यारे, अबे किधर है तू, बता जल्दी। बोल, हार गया, ढूंढ नहीं पाया। अरे तुम मिलेगा तो तुझे आग तो। ए, ये काव काव किसी कौवे के सामने करना, मैं तो किंग कॉन्ग हूँ।
एक बात सुन ले, मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा। मॉर्निंग वॉक से बीपी कंट्रोल होता है, कम खाने से फैट कम होता है, मुझे और वाइफ को चैलेंज करने से लाइफ कम होती है। तुझे ढूंढ कर कॉकरोच की तरह मारूंगा। ढूंढो ढूंढो, मेरे बाप का कह जाता है डूड। पैसा और गाड़ी का पेट्रोल तो तेरी जेब से जा रहा है, यू स्टूपिड फूल। भाई उसने फिर बोल दिया। हाँ बताओ कहाँ जा रहा है। हमें किसी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? उसे ढूंढ के पूछेंगे कि किसे ढूंढना है। अरे क्यों नहीं ढूंढते जिसे ढूंढना है? क्योंकि हम उसे नहीं जानते। उसे जानने वाले को ढूंढो। हम उसे भी नहीं जानते। तो फिर ढूंढते रह जाओगे। मंदिर में शायद डालडे के दिए जलाए होंगे इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। क्या हुआ कल्लू, चंद्रकला को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मामू कुछ लोगों के दिल फूलों से पिघल जाते हैं, पर मेरा फूल वो फेंक देती, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया। मेरा लव को अप्रोच करने का अलग तरीका है। और फिर अगर उसने अपने भाई को अप्रोच किया और फिर उसके गुंडों ने हमें अप्रोच किया तो आगे। चंदू को तूने छेड़ा है ना? आप किसकी बात कर रहे हो? ओ तो इसका निकनेम चंदू है। मुझे दो चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। पहली तो चंदू की आंखों में आंसू, और दूसरी चंदू के मुंह में थर्मामीटर। बंद कर अपने मुंह का शटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, जाकर उसे सॉरी बोल। अरे पर मैंने आपकी बेबी को नहीं छेड़ा। मैंने कहा ना जाकर सॉरी बोल, तुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, जाकर सॉरी बोल। ये लड़का मजबूत है या पोल कमजोर है? लड़के को मजबूत समझने में ही समझदारी है, वरना बहुत पड़ेगी। सुनती हो, चंदू को जिसने छेड़ा था उसे मैंने समझा दिया है, अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग दे दी है, मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, मच्छी फ्राई करके रखना। क्या घूर घूर के हम सबको देख रहा है? पिछले 10 सालों से हम हर रोज जिम जाते हैं, समझा क्या? लोगों को मारने के लिए जिम की नहीं जिगर की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, मैंने चंदू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस कान के नीचे जोर से रख कर दिया। ये क्या है चंदू, तुम कहती हो कि उसने तुम्हें छेड़ा और वो कहता है कि उसने तुम्हें कान के नीचे रख कर दिया, बिना क्लैरिटी के मैं उससे बात कैसे करूं? वो मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा, उसने मुझे छेड़ा था, उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जाकर चमाट लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर अगर हमने उसे पीटा तो वो थप्पड़ मारने वाली बात सच हो जाएगी। हाँ सोचो तो, वैसे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। मारो मत, उसे सिर्फ सॉरी बोलने को कहो, बस इतना ही ना, मुझ पर छोड़ दो। बच गया। ए, बोल झुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया। मैं तो सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए भी झुकता नहीं, स्लिप डिस्क हुआ है। मेरी सलाह मान और छोटे से मैटर को आगे मत बढ़ा, जा चंदू को सॉरी बोल। अली इतनी ची बात है मुन्ना, तो मैं अभी बोलता हूँ। हाँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंदू जानू, आई लव यू। व्हाट? अब भैया को बोलूं क्या? उसको नहीं बोला है, तुम्हें बोला है। हाँ तो चंदू, इसने सॉरी बोला या नहीं? हाँ बोल दिया, चलो यहाँ से। शुक्र है बच गया।